पिछले भाग में सभी ने माहेश्वरी से कहा कि उसका घर में ही रहना ठीक है, लेकिन उसके दिल में हमेशा घबराहट बनी रहती। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन शोभा अपने भाई बालू के साथ खेल रही थी। कुमारी, वरप्रसाद और महेश तीनों खेत चले जाते हैं। माहेश्वरी घर का काम निपटाकर जल्दी जल्दी खाना तैयार करने में लग जाती है। काफी समय बाद शोभा और बालू घर के अंदर आए। माँ, बिजली नहीं है क्या? जैसे ही उसने स्विच ऑन किया, उसे करंट का झटका लगा और वो ऊपर से नीचे तक कांप गई। ये देखकर माहेश्वरी ने जल्दी से मेन स्विच बंद कर दिया। उसके ऐसा करते ही शोभा कुछ दूर जाकर गिर गई। माँ, क्योंकि तुमने मेन स्विच बंद कर दिया इसीलिए मैं बच गई, नहीं तो मैं बिजली के झटके से मरी गई होती। नहीं शोभा, ये हुआ ही इसलिए क्योंकि मैं यहाँ मौजूद हूँ। मैंने कहा था कि मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, लेकिन तुम सबने मेरी बात नहीं मानी। मुझे नहीं पता कि मेरी वजह से तुम कितनी बार ऐसे खतरे झेलोगी। थोड़ी देर बाद महेश, कुमारी, प्रसाद तीनों खेत के काम से लौटते हैं। माहेश्वरी उन्हें बताती है कि क्या हुआ। वे सभी इसके बारे में दुखी महसूस करते हैं। उस रात जब सब सो रहे थे, माहेश्वरी ने एक चिट्ठी लिखी, वहां रखी और घर छोड़कर चली गई। सुबह हर कोई उठता है और देखता है कि माहेश्वरी वहां नहीं है। फिर उसे यहां वहां खोजते हैं, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देती। इस बीच शोभा ने वो चिट्ठी रखी देखी। उस चिट्ठी में, कृपया मुझे नहीं खोजना, मैं तुम सबसे दूर जा रही हूं। अगर मैं यहां रहूंगी तो शोभा कई खतरों का सामना करेगी। मैं डर गई हूँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। मेरे बेटे बालू की अच्छी तरह से देखभाल करना, शोभा का ख्याल रखना और मुझे मत खोजना। मैं तुम सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगी। उस पत्र को पढ़कर वे सभी दुखी महसूस करते हैं। कुछ दिन बीत गए हैं। माहेश्वरी बिना किसी को बताए एक छोटे से गांव में अकेली रहती है, जो वहां से काफी दूर है। लेकिन घर पर शोभा और हर कोई माहेश्वरी को याद करता है और दुखी महसूस करता है। मुझे माँ चाहिए, मुझे माँ चाहिए। बालू रोता है। रो मत बच्ची, मैं तुम्हारी माँ ही तो हूँ। कुमारी बालू की देखभाल करती है। कुछ समय और बीत गया। फिर एक दिन माहेश्वरी के पति महेश ने भी एक पत्र लिखा और वहां से चला गया। उस पत्र में, शोभा और बालू की अच्छी तरह से देखभाल करने का अनुरोध करता हूँ। किसी भी तरह मैं अपनी पत्नी को ढूंढूंगा और उसके पास जाऊंगा। कृपया मुझे मत खोजिएगा। इस तरह वो भी चला गया। उस पत्र को देखकर वे सभी और दुखी हो जाते हैं। वो लगातार माहेश्वरी को खोजता है। एक दिन उसने माहेश्वरी को देखा। वो बेहद खुश होकर उसके पास दौड़ कर गया। माहेश्वरी, तुम मुझे छोड़कर कैसे चली गई? मैं तुम्हारे बारे में सोचकर कितना दुखी था। ऐसा कोई दिन नहीं बीता जब मैंने तुम्हारे लिए खोज नहीं की हो। माहेश्वरी आंखों में आंसुओं के साथ कहती है, महेश, क्योंकि तुम सभी मेरी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, मुझे ऐसा करना पड़ा। मेरी वजह से शोभा को कई खतरों का सामना करना पड़ रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा था कि आगे उसके साथ और क्या होगा। उस डर से मैं यहाँ चली आई। यहाँ मैं एक छोटी सी झोपड़ी में रह रही हूँ। और बताओ, शोभा और हमारा बेटा कैसा है? जब मैं घर से निकला था, पता नहीं अब वे कैसे हैं। निश्चित रूप से वे हमारे बारे में चिंता कर रहे होंगे। फिर मैं क्या करूं? शोभा की बेहतरी के लिए मैं घर छोड़कर आ गई। मुझे खोजते हुए तुम भी घर से बाहर आए। हम अपने जीवन को उससे अलग रखेंगे। आगे की बात भगवान के हाथ। उसने कहा तो महेश मान गया। फिर दोनों एक साथ उस छोटी सी झोपड़ी में रहने लगे। वहां कुमारी, वरप्रसाद और शोभा ये सोचकर हर पल इंतजार कर रहे थे कि महेश और माहेश्वरी लौट आएंगे। शोभा स्कूल जाने लगी, कुमारी बालू की देखरेख कर रही थी और वरप्रसाद खेत के कामों के लिए जाने लगा। सभी अपने अपने कामों में रम गए थे। कुछ समय और बीत गया। जैसे जैसे फसल की खेती अच्छी होती गई, वरप्रसाद को बहुत अच्छा लाभ हुआ। फिर वो अपनी पत्नी के साथ, कुमारी, हमें लाभ हुआ है। परसों शोभा का जन्मदिन है, हम शहर जाकर शोभा के लिए सोने की चूड़ियां खरीदेंगे। अब वो बड़ी हो रही है,
धीरे धीरे इकट्ठा करना पड़ेगा सब कुछ, है ना? हाँ, तुम बस अपनी बेटी के लिए खरीदोगे, तुम मेरे लिए कुछ नहीं खरीदना, ठीक है? अरे मैं तुम्हारे लिए भी खरीदूंगा, उसने कहा। फिर शोभा से दोनों, बेटी हम शहर जा रहे हैं, तुम अपने भाई बालू के साथ खेलो, आज रविवार है, तुम्हारा स्कूल भी नहीं है, हम शाम तक जरूर लौट आएंगे, ठीक है ना? उसने कहा तो शोभा ने कहा ठीक है। वरप्रसाद और कुमारी दोनों शहर पहुंचकर गहनों की दुकान पर जाते हैं और वहां सोने की चूड़ियां देखने लगते हैं। तभी उन्होंने वहां माहेश्वरी और महेश को देखा। उन्हें देखकर वे तुरंत उनके पास गए और बोले, क्या तुम दोनों हमें छोड़कर खुश हो? उन्हें देखकर और उनकी बात सुनकर, कृपया हमें क्षमा करें, हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। आप दोनों कैसे हैं? ये तो बता देते कि दोनों कहां रह रहे हो, तुमने तो ये भी खबर नहीं दी। हम दोनों एकदम ठीक हैं। मुझे आशा है कि आप सब भी भली भांति होंगे। ये ना पूछे कि हम कहां रह रहे हैं, हम नहीं बताना चाहते। और दोनों चुप हो गए। परसों शोभा का जन्मदिन है, इसलिए हम उसके लिए सोने की चूड़ियां खरीदने आए थे। हम भी शोभा के लिए सोने की चेन खरीदने आए थे, उन्होंने बताया। फिर वे चारों लंबे समय तक बातें करते रहे। उन्हें जो पसंद आया खरीदा और बाहर आए। तो आप निश्चित रूप से शोभा के जन्मदिन पर आएंगे ना? हम जरूर आएंगे, कई दिन हो गए हैं दोनों बच्चों को देखे हुए, लेकिन हम बहुत देर तक नहीं रुकेंगे, कुमारी और वरप्रसाद ने सहमति जताई। फिर एक और दिन बीत गया और जन्मदिन का दिन आ गया। माहेश्वरी और महेश आए और शोभा को उपहार दिया। जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाया, शोभा बहुत खुश थी। मैं बहुत खुश हूँ हम सब फिर से मिले, भगवान अगर कृपा दिखाए और मेरे लिए कोई खतरा ना हो तो आप दोनों भी हमारे साथ ही रहे ना। नहीं शोभा, तुम्हें अपने जन्मदिन पर नहीं रोना चाहिए, उन्होंने शोभा को सांत्वना दी। बाद में सभी ने रात का भोजन किया। शोभा और बालू सो गए। तो ठीक है, फिर हम चलते हैं, आज यहाँ आकर बहुत राहत मिली, कृपया शोभा और बालू को अच्छी तरह से रखें। सच तो ये है कि हम अपने साथ बालू को ले जा सकते हैं, लेकिन शोभा बहुत दुखी महसूस करेगी, इसीलिए नहीं ले जा रहे। हालांकि दोनों बच्चों को हमने जन्म दिया है, लेकिन उन्हें पालने की जिम्मेदारी आप पर आ गई है। हम दोनों आपके बहुत आभारी हैं, बहुत आभारी। कोई बात नहीं बहन, ये सब भगवान का फैसला है, उसने कहा। बाद में महेश और माहेश्वरी वहां से चले गए। कुमारी और वरप्रसाद अंदर गए और आराम किया।